देखिएगा, सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो इस तरह की आयरन की कढ़ाई चाहिए, और जो हमें देखिएगा जितना आपको डाई बनानी हो उस हिसाब से आप पानी ले लीजिएगा, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका एक बार में ही जो है ब्लैक कलर आएगा। और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हमारी जो डाई होती है बिल्कुल भी हार्म नहीं होती, यानी कि नुकसान नहीं देती, फायदा बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपके बालों को बेनिफिट्स मिलेंगे, और बाल भी जो है आपके जल्द से जल्द काले, घने, लंबे, चमकदार बनेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से जितनी आपको डाई बनानी हो पानी ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर जो है इतना पानी ऐड कर दिया। अब जो है मैं गैस का फ्लेम जो है सिम पर ऑन कर दूंगी। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारा इसमें आंवला है और शिकाकाई है। देखिएगा ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आपको इस तरीके से कच्चे फॉर्म में ही लेना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके का लेना है, आपको पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। तो चलिएगा मैं यहाँ पर जो है ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ इस तरीके से, और हम इन दोनों को जब तक पकाएंगे जब तक इनका कलर जो है अच्छे से इस पानी के अंदर नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें गर्म होने देंगे। और ये देखिएगा ये जो है गर्म होना स्टार्ट हो गया, और ये देखिएगा कलर भी इनका आना इसमें स्टार्ट हो गया इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से। तो देखिएगा हमें जो लेने हैं इस तरीके से एलमोंड ले लेने हैं यानी कि बादाम, और इनका हमें जो है चारकोल बनाना है, और मैंने पहले से ही बना कर रख रखा है। आप जो है पॉट में भर के रख सकते हैं, आप इसका भी चारकोल बना सकते हैं, और जो नारियल का खप्पर होता है यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है उसको भी जलाकर आप जो है चारकोल तैयार कर सकते हैं। यानी कि हमें चारकोल चाहिए इसमें, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन अपने घर का जो है वो आपको आपके सामने का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको जला लीजिए बादाम को किसी कटोरी वगैरह में रख कर, और फिर उसको पीस कर आप ठंडा करके पीस लीजिए, मिक्सी में भी पीस सकते हैं और वैसे भी कूट सकते हैं आप, और कूट कर एक पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिएगा मैंने जो है पीस कर इस तरीके से पाउडर तैयार कर पहले ही रख रखा है, और मैं इसे कंटेनर जार में भर कर रख दूंगी, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको ले लूँगी। तो ये देखिएगा ये हमें ज़रूर डालना है, और इधर देखिएगा ये जो है पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है खदकना हमारा स्टार्ट हो गया है, और देखिएगा पानी में जो है डार्कनेस आ गई, यानी कि ये देखिएगा पानी कितना ज़्यादा जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है ये अच्छे से। और आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो छान भी सकते हैं, तो मैं इस तरीके से इसको निकाल लूँगी। तो देखिएगा मैं यहाँ पे चाय की पत्ती जो है पीसी भी पाउडर फॉर्म में यहाँ पे ऐड करूंगी इसके अंदर। अगर आप जो है साबुत डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, आपको जब आंवला शिकाकाई इसमें ऐड किया था तभी आपको चाय पत्ती ऐड कर देनी है उस पानी में, फिर उसके बाद उसको छान लेना है ताकि चाय की पत्ती का पानी का कलर भी इसमें आ जाए। लेकिन हम जो है यहाँ पे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है पाउडर वाली चाय की पत्ती ऐड कर दूंगी। पत्ती ले ली है, और गैस का फ्लेम जो है सिंपल है, और इस तरीके से मैं 1 टेबल स्पून इसमें चाय की पत्ती ऐड कर दूंगी। इस तरीके से भी आपको कर देनी है, और जो हमारा इसके बाद का इंग्रेडिएंट होगा वो है जो मैंने आपको अभी बताया था चारकोल पाउडर, इस तरीके से ये हमें इसमें ऐड कर देना है, और इसकी मात्रा हमें 3 चम्मच के करीब रखनी है, क्योंकि यही हमारा जो है चारकोल पाउडर ब्लैक कलर देगा हमारे बालों में बिल्कुल अच्छे से। देखिएगा 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, और ये 3 टेबल स्पून, इस तरीके से जो है हमें इन सबको अच्छे से चला देना है। ये इतना अच्छा जो कलर देगा हमारे बालों में बहुत ही अच्छे से कलर देगा। तो देखिएगा अब जो हमें इसमें ऐड करना होगा वो है कत्था पाउडर। तो कत्था पाउडर का रिव्यू मैंने कर रखा है चैनल से, जहाँ से मैंने मंगाया, आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, वो वीडियो भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट जरूर कर लीजिए। मैंने जहाँ से ऑनलाइन ये परचेज़ किया है सब सामान, तो वो दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हम वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हम कत्था पाउडर देंगे। कत्था पाउडर जो है नेचुरली बालों को आपको इतना अच्छा कलर देगा, बहुत ही अच्छा। इसमें जो है 2 कलर का कत्था पाउडर आता है, एक लाइट ब्राउन और एक डार्केश ब्राउन, जो ब्लैकिश होता है। ब्लैकिश वाला जो है बहुत अच्छा कलर देता है, और लाइटिश वाला भी बहुत ही अच्छा कलर देता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, नेचुरल होते हैं, और ये भी नेचुरल पैक है। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून कत्था पाउडर इसमें ऐड कर जो है यहाँ पर कत्था पाउडर इसमें ऐड कर दे रही हूँ 1 टेबल स्पून, और आपको अगर ज़्यादा बनानी है तो आप जो है इसमें 3 टेबल स्पून तक ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून इस तरीके से। अब जो हमें इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट 2 डालने होंगे वो है इंडिगो पाउडर और मेहंदी यानी कि हीना पाउडर। तो यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून हीना पाउडर ऐड कर दे रही हूँ इस तरीके से, और हमें इसे अच्छे से जो है चला देना है, और गैस का फ्लेम जो है हमें बंद कर देना है, और हमें जो है 2 टेबल स्पून ही इंडिको पाउडर इसमें ऐड करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंडिको पाउडर भी आपको 2 टेबल स्पून ही ऐड करना है इस तरीके से। वो जो है इसी फॉर्म में रखना है, यानी कि इतनी ही गाढ़ी रखनी है जैसे मैंने रखी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है कि बिल्कुल टपके आपके बालों में से, इस तरीके से आपको रखनी है।
ये देखिएगा इस तरीके से। अब आप इसे जो है एक घंटा के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद जो है आप अपने बालों में इसे अप्लाई कीजिएगा। हेयर में आपके ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो जो सामान मैंने डाला है, अगर आप इस तरीके से वो सामान डालेंगे तो आपके बाल जो है नेचुरल ब्लैक होंगे, बिल्कुल गहरा कलर आएगा ब्लैक में। जड़ों से जिन लोगों के भी नहीं आता, प्रॉब्लम रहती है, और जिन्होंने केमिकल की डाई क्यों ना इस्तेमाल कर रखी हो, उनके भी जो है एक बार में ही गहरा कलर आएगा। और आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तो आप उस दिन वॉश ना करें शैम्पू से, आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। नेक्स्ट डे आप वॉश कीजिएगा, फिर आप देखिएगा। और जो आपको शैम्पू लेना है, या तो आप माइल्ड शैम्पू ले लीजिए, नेचुरल शैम्पू ले लीजिए, या होममेड शैम्पू बना सकते हैं। मैंने भी अपना जो है होममेड शैम्पू बनाया था, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है मार्केट का कोई सा भी हर्बल जो अच्छी ब्रांड का हो, अच्छी कंपनी का हो, आप वाला जो है परचेज कर लीजिएगा। नेचुरल ही शैम्पू से अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो आपका कलर जो है लॉन्ग समय तक टिका रहेगा, क्योंकि जो शैम्पू होते हैं वो हमारे बालों में एज ए क्लीनर काम करते हैं, यानी कि बालों की सफाई करने का काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं, ये नेचुरल चीजें, इनमें कोई कलर वगैरह नहीं होता जो एकदम से आपका बालों में चिपक जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग जो है कलर चढ़ता है, आता है कलर, और केमिकल हार्ड शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे जो है एक बार में क्लीन हो जाता है, क्योंकि बाल जो है केमिकल से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है, नेचुरल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग आपके हेयर का कलर रहेगा, आपको डाई लगाने की केमिकल वाली बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसे वीक में दो बार जरूर इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे आपके बाल जो है बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाएंगे। फिर लॉन्ग समय तक आपको जो है डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जब आपको करना हो आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर